मित्रों, ये हमारे भाई हैं ब्रजेश कुमार, भरतपुर से पधारे हैं ब्रजेश गुर्जर, और इनकी शादी है आगामी 5 फरवरी की। उसके लिए हमारे भाई श्री ओमना साफा शेरवानी हाउस अलवर पर पधारे हैं। इनको भाई को अभी एक बार रिहर्सल करा रहे हैं दूल्हा कैसे बनते हैं। शेरवानी यहाँ से पहनकर जाएंगे, साफा भी हम अपने भाई को लगा रहे हैं। तो आप देख भी, इसमें दो फायदे हैं। एक तो आप ये भी देख पाओगे कि दूल्हा कैसे सजाया जाता है, दूसरा आप ये भी देख पाओगे साफा कैसे बनते हैं। साफा सीखने का तरीका भी है। इसे हम राजस्थानी साफा भी बोलते हैं, इसे हम गजसाई साफा बोलते हैं, और गांव देहात में अपने बोल भी देते हैं भाई ये दूल्हे वाला साफा। बहुत आसान तरीका है, कई वीडियो में हमने बताया इस प्रकार से अपन साफा लें। या यहाँ नॉक करने का तरीका इतना शानदार है, यहाँ से उंगली लगाई, अंगूठा लगाया, कुछ भी लगाओ, यहाँ अपना अंगूठा लगा रहता है, पीछे इसको यूं कर देते हैं तो घूम करके आराम से पत्तियाँ बन जाएंगी, और इधर ये इधर से राउंड भी हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। इस प्रकार से देखिए पट्टी बनाने का बहुत आसान तरीका है। ऐसे लिया और साफा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, तभी गजसाई साफा कहलाता है, राजस्थानी साफा कहलाता है, जोधपुरी साफा कहलाता है। यूं एक बार यूं हाथ फेरने से क्या साइनिंग अच्छी आएगी, और आप बड़े आसानी के साथ इस साफे को सीख पाओगे या से फिर लॉक करोगे। अपना पता है श्री ओमना साफा शेरवानी हाउस, नया बास अलवर, और सीधे आप यहाँ से आ सकते हो। जब भी आप कभी अलवर आए बस के द्वारा, बाई बस यदि आप आते हो तो बस स्टैंड से पहले मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ से बस स्टैंड के लिए बस मुड़ती है। जैसे ही आप मिलिट्री हॉस्पिटल को उतरोगे, सीधा आपको 100 मीटर आगे चलना है और वहाँ से दाया होना है ताला कुआ की तरफ, सीधे आप यहाँ पर पधार जाओगे। और इसके बाद यदि आप रेल से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, रेल के माध्यम से भी आ रहे हो, तो उसका तरीका है कि आप सीधे स्टेशन